ठीक है जी। मैं शॉप पे था तो दिलवर भाई की अपना दिलवर भाई के चोट लगी है। तो खैर जहाँ कोई जानता तो नहीं था, लेकिन कुछ लोग जानते हैं, लेकिन वो जो मेडिकल स्टोर पे जहाँ वो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस यहाँ जो है ना ड्रामे का जो है ना स्टोरी चल रही है, और रात से तब मैंने ड्रामा नहीं देखा, तो उसकी आगे वाली स्टोरी अरसलान साहब जो है ना बयान कर रहे हैं। ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, नाम हमें भी नहीं पता, और बस ना ही 30 लाख रुपए मिल गया बस उसे। उसको 30 लाख बहुत रुपये, दे रहा है ये सारा। 30 लाख मिल गया। तो ये कहानी यहाँ तक चल रही है, और हमने ब्लॉग भी साथ साथ स्टार्ट कर लिया और नाश्ता भी ठूस लिया है। तो काइंडली जो भी न्यू चैनल पर हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह डे की जो भी एक्टिविटी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि आज जो है दिलपर साहब ना नींद में गए थे, ये और नवीद भाई हाँ भाई, फॉग देखने आजकल गए फोग थे। बहुत ज़्यादा हुई हुई है पंजाब में, तो रात जो है ना मैंने इस फोग के चक्कर में जो है ना फोग फोग हो गया, पर फोग नहीं दे मैंने सकी। आपसे कहा था कि आप 1 घंटा और जाओगे। थैंक यू पापा। अच्छा फिर और ਉਧਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। अच्छा ये सारी गाल तो जी आज तो धूप निकली हुई है, कल की तरह मौसम नहीं है, लेकिन रात माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम था। 10-11 बजे भी फोग हो रही थी, अभी जो है ना कुछ मौसम नॉर्मल है। और मैं बस बाहर खड़ा हुआ था, मैंने कहा चले आपको हेलो हाय भी कर लें तो बाहर का वेदर भी दिखा दें। आज हमारा निकलने का इरादा तो था लेकिन हम गए नहीं, चले फिर कल चलेंगे। टूटियाँ लगा लो, पानी दे कूलर में टूटियाँ लगा लो, तो इंज कर लो। तो आज दोपहर के 12-12 बजे हम ग्रीन टी पी रहे हैं, और बस ग्रीन टी ही पी रहे हैं क्योंकि हमारी टीवी लॉक हो गई है, इसकी वजह से वो खुल नहीं सकती, तो हम लोग ग्रीन टी पी रहे हैं। गाइस अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ किसी काम से, जो कि काम जो है ना बहुत ही अहम है, और शावर ले लिए, ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए। ठीक है, काम होने के बाद ही आपको बताएंगे कि क्या काम है, पहले चलते हैं वो काम करके आते हैं, फिर उसके बाद आपसे गपशप पे लगाएंगे। और हानिया को भी छोड़ना था घर, मैंने कहा इसको भी छोड़ देते हैं फिर चलते हैं। दिलवर भाई की अपना दिलवर भाई के चोट लगी है। तो खैर जहाँ कोई जानता तो नहीं था, लेकिन कुछ लोग जानते हैं, लेकिन वो जो मेडिकल स्टोर पे जहाँ वो पहुँचे हैं ना, वो मेडिकल स्टोर वाले हमें जानते थे, तो उन्होंने कॉल की है कि नदीम भाई आपका जो मेहमान है ना, तो उनके चोट लगी है, तो उन्होंने नंबर दिया, तो उन्होंने कॉल की है। तो मैं भी जहाँ पहुँचा हूँ जहाँ क्लिनिक पे, तो जहाँ मैंने देखा तो इनके पट्टियाँ हो रही थी, तो मैं भी शुक्र है कि मौके पे पहुंच गया और बचत भी हो गई जी। दिलवर भाई को चोट लगी है, मोटरसाइकिल से गिर गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। ठीक है, तो अल्लाह ताला जी, अल्लाह ताला ने बचा लिया है, हड्डियाँ हुड्डियाँ टूटने तो बच गई हैं, लेकिन तो रगड़ें बहुत ज़्यादा लगी हैं। तो इधर आए हैं क्लिनिक पे, तो जहाँ करवा रहे हैं पट्टियाँ वगैरह, इनकी माशाल्लाह से तबीयत बेहतरीन बन गई है। मैंने इन्हें पहले बोला ये कराची शहर नहीं है, मोटरसाइकिल की ना स्पीड कम करो, पर ये सुनते कहाँ हैं, मोटरसाइकिल की पीछे से आके टक्कर लगाई है उन्होंने, तो फेंका, दो बाजियाँ पड़ी हैं। ठीक है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो खैर रब ताला ने इन्हें बचत तो हो चुकी है, तो हड्डियाँ वगैरह का ज़्यादा मसला होता है, तो खैर अल्लाह ताला ने कर्म किया है, कुछ बचत हो गई है।
नीचे आ, जल्दी आ नीचे। तुम्हें चोट क्यों लगी? अभी तो तुम अच्छे वाले गए हो। यार तुम करते क्या हो? मैं हाथ धो कर आई, मैं कपड़े नहीं धो रही थी, तुम्हें तो मैं पागल कर दिया। ये कौन सी बाइक लगी तुम्हारे कपड़े? तुम मुझे चुप बोल रहे हो? नीचे बाइक लगे थे शॉप पे। तुम चुप बोल रहे हो? मुझे तुम्हें यकीन नहीं है। मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा? पागल हो क्या?
हमेशा झूठ बोल रहा है, बदले में कपड़े छोड़ कर आई हूँ। मैं हाथ करो नहीं करो ये प्रैंक था, इसको पता चल गया था। और अब जो है ना, मैंने अपनी सिंधी टोपी भी पहन ली है। इस टोपी की जो है ना बहुत तारीफ हुई है, बहुत सारे लोगों ने तारीफ किया कि दिलबर भाई आपकी जो है ना ये आपने कितने की लिए। लेकिन जब मैंने उनको कीमत बताई तो वो बेचारे हैरान के परेशान रह गए कि ना कर यार, ब्लॉग में तो इतना खूबसूरत दिख रही है और आप बोलो इतना सस्ती। मैंने कहा बस यार क्या कर सकते हैं, अमीर लोग हैं ना, इसलिए सस्ती चीज़ खरीद लेते हैं। तो आज का ड्रेसिंग ये था, थोड़ा सा ये प्रैंक किया क्योंकि सुबह से हम लोग जो है ना कहीं निकले सुबह से कहीं निकले नहीं थे, इस वजह से वो असल में बाइक नहीं थी। तो इंशाल्लाह कल कहीं देखेंगे, कल का कहीं का करेंगे, लेकिन आज तो नहीं निकले, जो भी होगा इंशाल्लाह। फिर फाइनली हम लोग नहर पे आ गए हैं और यहाँ से बसरा हाउस जो कि हमारे फ्रंट पर है, साथ में सन्या ने अपना व्लॉग शुरू कर लिया। अच्छा देखें, शुमाई नहर सूखी हुई है और ये वाली नहर देखें कितना फुल हुई है यार, कमाल ही हो गया कुछ। तो यहाँ बस थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ना चले जाएंगे घर। मैंने कहा थोड़ा सा बाहर चक्कर लगा के, शाम के कोई 4:30 हो रहे हैं, मौसम अभी तक खुशगवार है, लाजवाब है।